फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो आप लोग तो देख ही पा रहे हो मैं हो रही हूँ तैयार। तो अभी मैं जल्दी जल्दी तैयार हो रही हूँ और अभी है ना शाम का टाइम है, अभी शाम के बज रहे होंगे 6। और मतलब पूरा दिन मैं सोच ही रही थी कि जाऊँगी कि नहीं जाऊँगी, जाऊँगी कि नहीं जाऊँगी। आप लोगों को तो मैंने पिछले ब्लॉग में बोला ही है कि शायद मैं घर जा सकती हूँ। तो है ना आज है ना मतलब दिशानी के पापा मुझे बोल रहे अचानक से तुम तो जाओ और दिशानी को लेके जाओ, उसकी तबीयत ख़राब हो रही है दिन ब दिन। तो इसी वजह से है ना मैं अभी तैयार हो रही हूँ, हम लोग अभी जाएंगे घर। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं क्या बताऊँ, आज है ना मैं नहाई नहीं हूँ, मतलब इतनी जुखाम है मुझे, बुखार भी है और साथ में दिशानी की भी तबीयत ख़राब है। वो तो गोदी से उतर ही नहीं रही थी, तो पूरा दिन तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। बस खाना वाना बनाया और काम वाम थोड़ा बहुत किया और बस अभी है ना निकलेंगे। तो यहाँ पर देखिए जल्दी जल्दी बोला दिशानी के पापा ने, 4 बजे हमारे यहाँ से ट्रेन जाती है एकदम घर के पास से। तो वो 4 बजे वाली ट्रेन तो हम लोगों ने छोड़ दी क्योंकि ना आना नहीं था, अभी तक फिक्स नहीं हुआ था कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे ऐसा कुछ। मैं सोच रही थी कि थोड़ा बहुत दिशानी सही हो जाए तो नहीं जाऊँगी, मेरा तो क्या है मैं तो ठीक हो जाऊँगी ऐसे करके है ना। घर का जो ट्रेन था ना, घर के पास वाला ट्रेन, वो तो छूट गई है। और अब जाके फिर दिशानी इतना ही परेशान कर रही थी ना, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, तो अब जाके ना हम लोगों को निकलना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, दिशानी के पापा तो नहीं जाएंगे क्योंकि ना उनको बिल्कुल भी छुट्टी नहीं है और वो नहीं जा सकते, उनको बहुत सारा काम है। तो यहाँ पर मैंने अपना पैकिंग तो कर लिया है बैग, अब बस दिशानी के कपड़े वपड़े पैक कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए एक बैग मेरा है, एक बैग दिशानी का है। ठंड के टाइम पे है ना कहीं पे जाना आना बच्चों को लेके, मतलब बहुत सारा सामान मतलब लेके जाना यही होता है। तो देखिए दिशानी को मैंने जैसे तैसे तैयार कर दिया है और उसका है ना पता नहीं ऐसा मन है कि मतलब अंदर उसको रहना ही नहीं है, घर के अंदर उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसी वजह से रो रो के ऐसे हाल ख़राब किया है उसने मेरा कि मेरे हाथ पैर हर जगह पे दर्द होने लग गया है। उसको लेके घूमना फिरना किसी के भी गोद में नहीं जा रही है, ना पापा ना किसी के भी, बस मेरे पास ही रहेगी। ना मैं खाना बना पा रही हूँ, ना कुछ भी, बिल्कुल भी कोई भी काम नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि उसको गोदी में लेके बैठे रहना पड़ रहा है मुझे। और दिशानी के पापा थोड़ा बहुत बाहर जाते हैं काम से, तो उनको भी मैं बुला लेती हूँ जल्दी आओ दिशानी रो रही है ऐसा करके। तो उनको भी है ना हम दोनों की वजह से बहुत डिस्टर्ब हो रही है। तो देखिए हम लोग अभी आ गए हैं स्टेशन, और स्टेशन में आने के बाद अभी हम लोग बैठ गए हैं ट्रेन में। तो अभी यहाँ से सीधा हम लोग जाएंगे जयपुर, क्योंकि डायरेक्ट ट्रेन तो हम लोगों को मिली नहीं है। तो यहाँ से बस जा रहे हैं जयपुर, जयपुर से फिर हम लोगों को डायरेक्ट ट्रेन मिलेगी कोटा के लिए। तो यहाँ पर देखिए बैठ गए हैं और दिशानी अभी जाके थोड़ा सा उसको अच्छा लग रहा है देखिए। तो दिशानी के पापा तो घर पे नहीं जाएंगे, मतलब घर तक नहीं जाएंगे, वो मेरे साथ सिर्फ कोटा तक जाएंगे क्योंकि है ना मैं दिशानी को अकेली तो ट्रेन में नहीं संभाल पाऊँगी। उसका रोना धोना, दूध बनाना, उसको दूध पिलाना, दूध गर्म करना, और आजकल है ना ट्रेन में पूरा दूध गर्म करने का सिस्टम मतलब हट गया है, कोई भी मतलब ट्रेन में दूध वूध गर्म करके नहीं देने वाले। तो इसी वजह से ना दूध तो मुझे घर से गर्म करके लेके आना पड़ा थोड़ा सा, और ख़राब हो जाती है। इसी वजह से ना मैं मतलब कटोरी बटोरी साथ में लेके आती हूँ और फिर जाके स्टेशन में उतरने के बाद किसी चाय वाले से या फिर कहीं पे भी बोल के फिर गर्म कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए दिशानी के पापा पी रहे गर्म गर्म कॉफ़ी और मतलब समोसा खा रहे हैं। तो यहाँ पर है ना मुझे यही बोल रहे थे कि समोसा बहुत गर्म है, बल्कि समोसा बहुत ठंडा था, मजाक कर रहे थे मेरे साथ। तो यही सब कुछ, और तबीयत तो ख़राब हो रही थी पर दिशानी को मुझे ही लेना पड़ा। देख रहे हो आप लोग पूरे सफ़र में दिशानी उसके पापा के पास बहुत ही कम टाइम के लिए जाएगी, नहीं तो जाएगी ही नहीं, बस मेरे गोदी में रहेगी। फिर देखिए हम लोग आ गए हैं जयपुर, और सुबह से मतलब कुछ खाए थे, फिर शाम को तो हम लोग खा पी के नहीं निकले थे घर से। तो यहाँ पर आ गए हैं रेलवे कैंटीन। तो देखिए रेलवे कैंटीन का जो मतलब साफ़ सफाई होती है ना, सच में बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर रेलवे कैंटीन में आके सोच रहे हैं क्या खाएंगे क्या करेंगे। हम लोगों की ट्रेन अभी लेट है, 2 घंटे है हमारे पास। तो दिशानी के पापा ने मुझे बोला चलो कुछ खा पी लेते हैं फिर जाके आराम से बैठेंगे। तो यहाँ पर रेलवे कैंटीन में आए और थोड़ा बहुत दिशानी को दूध वूध पिलाना है, और उसको दूध वूध गर्म करके पिला के फिर हम लोग भी कुछ खाएँगे पियेंगे, इसीलिए आए हैं रेलवे कैंटीन। तो यहाँ पर देखिए हम लोग तो बैठ गए हैं खाने के लिए। तो अभी खाना ऑर्डर किया है, देखते हैं मतलब क्या आता है और इसका टेस्ट कैसा होता है।
तो इसी वजह से फिर देखिए मैं ना दिशानी को दूध पिला रही थी, तो उसने क्या किया, उसने है ना दूध का जो बोतल का निप्पल होता है ना वो अपने दांत से मोड़ के अंदर कर दिया, तो सारा दूध उसके ऊपर ही ढुल गया। तो ये लड़की है ना हमेशा ऐसा ही करती है। फिर जाके मैंने इसको चेंज वेंज करवाया, पूरा गीला हो गई थी, फिर जाके चेंज वेंज करवा के फिर बैठी हूँ यहाँ पर खाने। तो दिशानी के पापा ने यहाँ पर ऑर्डर किया था चाउमीन, और मैंने यहाँ पर छोले भटूरे, और उधर दिशानी के पापा ने फिर से ऑर्डर किया था उत्तपम, तो यही खाएंगे। और सच में मुझे ना भूख भी लग रही थी, सच में बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी, घर से निकलने के बाद मुझे इतना भूख लग रही थी। तो चलिए यहाँ पर जो खाना था ना उसका टेस्ट अच्छा था, मतलब अच्छा बोल सकती हूँ, बहुत अच्छा नहीं पर अच्छा था, मतलब बाहर से अच्छा था। वैसे ट्रेन व्रेन में तो इतना अच्छा नहीं मिल पाता है, पर रेल अच्छा ही मिला था। तो यहाँ पर मेरा तो फेवरेट है छोले भटूरे, तो यहाँ पर मैं खा रही थी छोले भटूरे, और दिशानी के पापा ने उत्तपम और चाउमीन जो उनका था वो खाया था, और मैंने भी थोड़ा थोड़ा टेस्ट किया था, शेयर कर लिए थे दोनों ने मिलके। तो यहाँ पर देखिए खा रही हूँ, पर दिशानी चैन से खाने नहीं देगी, वो ना वो भी खाएगी ऐसे, वैसे तो वो खाती नहीं है पर ऐसे देखेगी तो बार बार आ आ करेगी, और मुंह में डालूंगी फिर फेंक देगी, तो उसका ऐसा ही चलता रहता है वो, मतलब चैन से ना खुद खाएगी ना किसी को खाने देगी। तो बस यहाँ पर देखिए बिठा दिया है उसको, दिशानी के पापा भी है ना उसकी वजह से अच्छे से खा नहीं पा रहे थे, क्योंकि पहले मैं खा रही थी, फिर जाके देखिए थोड़ा सा दिशानी को दिया, अब वो खांस रही है कि उसको पानी वानी चाहिए, तो ऐसा ही है उसका। और बच्चों को लेके यहाँ पर है ना एक भैया थे, वो भी मुझे बोल रहे थे, सच में बच्चों को लेके है ना, मतलब दिशानी को उन्हें दूध वो ढुल दिया था ना, तो वो मुझे बोल रहे थे कि ठंड के टाइम पे बच्चों को लेके सफ़र करना बहुत डिफ़िकल्ट है, और ऐसे बच्चों को खासकर दिशानी की तरह, मतलब ये तो, और इसकी तो तबीयत ख़राब है ना इसी वजह से वो ज़्यादा परेशान करिए। तो देखिए हम लोग खा पी के निकल गए हैं, और पहले है ना हम लोग ना 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे थे, और यहाँ पर थोड़ी बहुत देर तक, मतलब बता रहे थे 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे ही ट्रेन रुकने वाली थी हमारी, लगने वाली थी सॉरी, फिर है ना एंड मोमेंट पे अनाउंसमेंट हुआ कि ये 5 नंबर में, फिर यहाँ से सामान लेके हम लोग गए, और खैर अच्छा था क्योंकि लिफ्ट था वहाँ पर इसी वजह से, नहीं तो फिर तो सीढ़ियों से जाना बहुत मुश्किल होता। और मेरा लगेज जो था ना बहुत भारी था, इसके अंदर सब कुछ भर के लेके आई थी, मतलब गर्म कपड़े सारे, तो इसी वजह से लगेज भी भारी था। तो यहाँ पर थे, तो यहाँ पर देखिए मैं ना वहाँ पर वो ट्रेन देख रही थी, उसमें मतलब ऊपर नीचे है, दो दो सीट ऊपर भी है और नीचे भी है, तो वही मैं देख रही थी, मेरे लिए फर्स्ट टाइम था, मैंने पहले नहीं देखा था और ना ही मैं इस ट्रेन पे अभी तक चढ़ी हूँ। तो दिशानी के पापा मुझे बोल रहे नीचे का जो सीट है ना उस पर बैठ के बहुत ही बेकार सा फील होता है, ऊपर फिर भी सही है और नीचे बैठोगे तो ऐसा लगता है कि एकदम जूते के पास बैठे हुए हैं, तो मतलब यही सब कुछ। तो मैं दिशानी को भी दिखा रही थी और मैं भी देख रही थी, तो आप लोग भी देखिए जिन लोगों ने नहीं देखा, आजकल ऐसी ट्रेन है ऊपर नीचे दो, तो वही मैं देख रही थी, पर अच्छा लग रहा था देखने में। पर है ना इसमें है ना SBI बैंक का बहुत सारा मतलब ऐड दे रखा है, तो पूरा ट्रेन ही ऐसा लग रहा था। फिर देखिए यहाँ पर इस वाले मतलब प्लेटफॉर्म पे लगेगी हमारी ट्रेन, तो यहाँ पर नहीं लग के फिर जाके अलग जगह पे लगी है 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं और फिर जाके यहाँ पर आ गए हैं, तो यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे हैं ट्रेन का, अब आएगी यहाँ पर ट्रेन। तो यहाँ पर देखिए M1 पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर ही आएगी ट्रेन, हमारा जो कोच है यहाँ पर ही आएगा, तो इसी वजह से यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये देखिए शायद ये ट्रेन आ गई है हम लोगों की, तो 12 बजे का टाइमिंग था और 12 बजे ही ट्रेन आ गई थी, 5-10 मिनट लेट थी बस। और है ना मुझे बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा था, क्यों पता है, सबसे पहली बात तो दिशानी के पापा मुझे कोटा तक छोड़ के फिर वो वापस आएंगे, उनका वापस ट्रेन है उसी स्टेशन से, मतलब मेरे को बिठा के दूसरे ट्रेन में, और फिर जाके मैं वहाँ से फिर निकल आऊँगी दूसरे ट्रेन में, मुझे 3 ट्रेन हम लोगों को चेंज करना पड़ा, तो इसी वजह से मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि वो वापस चले आएंगे और मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा घर तक। तो बस इसी चीज़ की वजह से मेरा थोड़ा सा मूड ख़राब था, क्योंकि ना मुझे उनको भी छोड़ के आने का मन नहीं था, क्योंकि उनकी भी तबीयत ख़राब हो रखी थी बहुत, और इधर दिशानी की भी है और मेरी भी है। तो दिशानी के पापा ने इसीलिए बोला तुम लोग जाओ और फिर जाके देखता हूँ मैं, पीछे से सही हो जाऊँगा फिर मैं बाद में आ जाऊँगा ऐसा। तो हम लोग ट्रेन में बैठ गए थे और है ना वहाँ पर क्या, पहले तो जब हम लोग कोटा तक जिस ट्रेन में आए दिशानी के पापा और मैं, तो उस टाइम है ना मतलब मैं बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाई, क्योंकि दिशानी है ना बहुत रो रही थी और रात भी हो गई थी, मुझे भी नींद आ गई थी, तो हम लोग सो गए थे।
तो फिर जाके ये दूसरे ट्रेन में मैं बैठी हूँ और दिशानी के पापा तो मुझे छोड़ के चले भी गए हैं, वो भी अपने ट्रेन में चले गए हैं। और यहाँ पर देखिए फिर मैं दूसरे ट्रेन पर बैठी थी और यहाँ पर मैं उतर गई हूँ अपना स्टेशन जो है, तो यहाँ पर मेरे भैया और मामा जी मुझे लेने आएंगे, यहाँ से फोर व्हीलर में जाना है घर तक, तो उतर गई हूँ। तो देखिए मतलब खुशी भी हो रही है थोड़ा सा कि दिशानी को अब सब लोग संभाल लेंगे और मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊंगी, और फिर जाके दुख भी हो रहा है दिशानी के पापा को छोड़ के आई हूँ इसी वजह से, तो ऐसा ही था। तो यहाँ पर देखिए भैया भी लेने आ गए हैं। और आज है ना ऐसा हुआ था कि हम लोग ऐसे सोए, दिशानी परेशान कर रही थी पहले और फिर जाके ऐसी नींद लगी मुझे ट्रेन में और मैं ऐसे सो गई कि कोटा आ भी गया और मुझे पता भी नहीं लगा। दिशानी के पापा तो कंबल ओढ़ के तान के सो रहे थे, वो तो अचानक पता नहीं मुझे कैसे मतलब पता चल गया कि मैं ऐसे चमक के उठी कि कोटा आ गया, उतरो। तो दिशानी के पापा बोल रहे कोटा आ गया, मैं बोल रही हूँ हाँ देखिए एक बार देख के बताओ और कोटा ही है ये। तो दिशानी के पापा बोल रहे तुम नहीं जगाते, तो मैं तो सोया ही रहता और मैं भी सोई थी, पता नहीं अचानक से कैसे मैं उठी। फिर देखिए यहाँ पर आ गई हूँ अब घर के रास्ते, तो बैठ गई हूँ, मामा जी चला रहे गाड़ी और कुंदन और मामा जी मतलब मेरा भाई और मामा दोनों आए थे, तो बस अभी हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। और दिशानी को लेके सच्ची में मेरा तो हाथ ही दुखने लग गया, किसी के भी गोदी में नहीं गई, रात को मैं ढंग से सो भी नहीं पाई थी, बहुत देर तक उसको गोदी में लेके बैठी थी, उसके पापा तो सो रहे थे। और उस ट्रेन में तो मैं बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाई, आप लोगों को दिखा भी नहीं पाई, क्योंकि ना थोड़ा सा शूट किया था आप लोगों ने देखा होगा, पर उससे ज़्यादा नहीं कर पाई क्योंकि रात को दिशानी भी परेशान कर रही थी और मैं भी थकी हुई थी, तो इसी वजह से। तो ये देखिए घर के रास्ते आ गई हूँ और अब घर पहुँच गई हूँ, पर थोड़ा सा मतलब बुरा लग रहा है, दिशानी के पापा है, मैं बार बार यही चीज़ बोल रही हूँ, उनकी भी तबीयत ख़राब है, वो भी आते तो थोड़ा बहुत मतलब अच्छे से रिलैक्स हो पाते घर पर। अच्छा खाना पीना है यहाँ पर क्योंकि ना सिटी के हिसाब से हम लोगों का मतलब नहीं बनता है अच्छा खाना पीना, कितना भी खा लो बाहर से पर वही घर की चीज़ें तो घर की होती है। और पता है दिशानी के पापा को भी ना मतलब बुरा लग रहा था जब हम लोग आ रहे थे, पर वो है ना दिखा नहीं रहे थे, और मैं तो मतलब सच में मेरा तो मुँह ही उतर गया था। और आजकल ना मुझे ना उनके बिना कहीं पर जाने का मन नहीं है, कोई भी मेरे साथ चले जाए पर मुझे ऐसा लगता है मैं ज़्यादा कम्फर्टेबल उनके साथ ही होती हूँ, क्योंकि वो जाते हैं ना तो मेरा सारा फिक्र ख़त्म हो जाती है, ये करना वो करना सारा काम वो ही कर देते हैं मेरा, तो इसी वजह से ना वो रह गए ना। और वो फिर से उनको बहुत ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ा, फिर वो मुझे छोड़ने आए, फिर वहाँ से दोबारा गए घर तक, सच में बहुत ही दिक्कत हुई, पर दिक्कत होने के बाद भी क्या करें अब आना ही पड़ेगा, ऐसा ही मजबूरी है कि दिशानी सही नहीं हो रही थी, तो यहाँ पर आने के बाद ना उसको थोड़ा नज़र वज़र भी उतारना है, क्या पता उसको क्या हुआ है, दस्त बुखार मतलब सब कुछ एक साथ, मतलब क्या ही हो गया मैं क्या ही बताऊँ, इतना सब कुछ मतलब एक साथ हुआ है पहले कभी नहीं हुआ है। फिर देखिए घर पे आने के बाद उसकी मौसियाँ सब लोग, इनको तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि दिशानी का इंतज़ार ही कर रहे थे ये लोग, इनका तो और कुछ नहीं है, पापा उसकी मौसी सब लोग मतलब दिशानी कर रहे थे। और दिशानी भी ऐसी है कि उसका भी वहाँ पर बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, ऐसा ही चले ना तो सच में मेरा तो लड़की को उधर रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर जो भी हो घर पर पहुँच गई हूँ और घर पर देखिए मम्मी सब लोग हैं, तो यहाँ पर दिशानी का अच्छा मन लग जाएगा। और आते से ही देखिए सबके गोदी में जा रही है, मतलब भूली नहीं है किसी को भी, वो यहाँ पे किसी को नहीं भूलती है, उसका याददाश्त अच्छा है। फिर यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा मतलब अपने बालों को देख रही थी, पर दिशानी को लेके ना कहीं पे देखने का मन मतलब फुर्स भी नहीं मिला, बाल मेरे ऐसे ही उठ रहे थे फूट रहे थे। तो यहाँ पर देखिए घर के अंदर आके मैं थोड़ा सा देख रही हूँ और अच्छा लगता है ना, बहुत दिन बाद घर पे आते हैं तो ऐसा ही मुझे भी लग रहा है। तो अभी आ गई हूँ मेरे रूम और यहाँ पर है ना रास्ते से मैं और मतलब मेरा भाई कचौड़ी लेके आया था, समोसा लेके आया था, तो वही थोड़ा सा फ्रेश व्रेश होके फिर कचौड़ी समोसा खाने और चाय पीने बैठ गई हूँ धूप में, और मुझे तो अच्छा ही लग रहा था। तो सुबह 9 बजे करीबन मैं घर पहुँच गई थी, 8, 8:30, 9 बजे तक। और फिर दिशानी के पापा को मैंने कॉल किया तो वो मुझे बोल रहे मैं तो सो रहा हूँ और आराम से अब जाके सीधा उधर ही जयपुर जाके ही उठूँगा, तो बस अब वो भी सो के आराम से जा पा रहे हैं क्योंकि दिशानी होती है तो वो भी नहीं सो पाते ना मैं सो पाती हूँ, वो ले या ना ले पर उठना तो पड़ता ही है ये वो दो इसी वजह से। तो यहाँ पर देखिए अपने गाड़ी में दिशानी घूम रही है, मस्ती कर रही है, और उसको देख के ऐसा नहीं लग रहा है अब कि उसकी तबीयत वबीयत कुछ खराब बराब है। तो फ्रेंड्स आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में। आप लोगों को अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कमेंट।
शेयर जरूर करें। बाय बाय।